नमस्कार दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि आगे जो भी मैं वीडियो पोस्ट करूँगी आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा। बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट में पूछा कि सिद्धामृत काढ़ा का पैकेट कैसे रियल है ये पहचाने, और इसे कैसे बनाएं और कैसे लें और क्या परहेज़ करें। तो आज का ये वीडियो ये सारी चीज़ों पे है। तो सबसे पहले बता दूं कि सिद्धामृत काढ़ा इस तीन टाइप के पैकेट में मिल रहा है। जैसे ये जो सबसे नीचे सिल्वर कलर में है, वो बहुत सारे डिमांड की वजह से उन्होंने ये ऐसे पैकेट लिए थे जिसके ऊपर कुछ स्टिकर नहीं था, उसके ऊपर सिर्फ ओरिजिनल और 150 रुपीज़ लिखा है। उसके बाद ये येलो कलर का जो स्टिकर वाला पैकेट है और ये वाइट कलर का है वो आया है, जो उन्होंने विद डिटेल्स और सब जो लेबलिंग है उसके साथ उन्होंने रिलीज़ किया। तो अभी आगे देखते हैं कि ये पैकेट से काढ़ा कैसे बनाए, और फिर उसके बाद मैं बताऊंगी कि परहेज़ क्या करना है जो डॉक्टर प्रज्ञा मिश्रम ने बताया है। और दोस्तों, मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कीजिए, क्योंकि वहाँ पे मैं डॉक्टर प्रज्ञा मिश्रम की वीडियोज़ की लिंक देती हूँ। तो ये काढ़ा कैसे लें, तो एक पैकेट एक व्यक्ति के लिए है। एक पैकेट का जो कंटेंट है वो पाउडर है, उसे तीन भाग में डिवाइड करना है, और हर दिन एक एक भाग का जो पाउडर है उसका काढ़ा बना के उसे कंटिन्यू 3 दिन लेना है सुबह सुबह। और उसे बिल्कुल सुबह कुछ भी खाना नहीं है या कुछ भी पीना नहीं है। जिसे थायराइड की प्रॉब्लम है वो 15 मिनट पहले थायराइड की गोली पानी के साथ लेके फिर ये काढ़ा लेना है। तो चलिए देखते हैं कि काढ़ा कैसे बनाएं। ये काढ़े का पैकेट है, उसके ऊपर ओरिजिनल और 150 रुपीज़ लिखा है। ऐसे ही दूसरे भी मार्केट में ये वाले काढ़े मिल रहे हैं। काढ़े के पैकेट अभी नए पैकेजिंग के साथ आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये पैकेट को काट करके इसका जो पाउडर है प्लेट पे निकाल लेंगे। इसका जो पाउडर है ये बहुत ही स्मूथ है, बहुत अच्छे तरीके से इसे पीसा गया है, कुछ भी लम्ब्स नहीं है, बिल्कुल स्मूथ पाउडर है और थोड़ा येलोइश कलर में दिखता है। इसके समांतर तीन भाग बनाने हैं। इसे एक स्टील के बर्तन में 1 ग्लास पानी डाल के, और फिर एक भाग सुबह सुबह इसका काढ़ा बनाने के लिए सुबह सुबह इसे एक भाग इस पानी में पूरा अच्छे से पहले घोलना है, और फिर इसे पका के इसे जब तक वो एक ग्लास का पानी हाफ ना हो जाए उतना इसे पका के ये काढ़ा रेडी करना है। ऐसे ये जो तीन भाग बनाया है डेली कंटिन्यू तीनों दिन सुबह सुबह ये काढ़ा 1 ग्लास पानी में स्टील के बर्तन में मध्यम आंच में, बहुत ज़्यादा आंच नहीं होनी चाहिए, ऐसे इसे बनाना है। ये सब चीज़ें डॉक्टर प्रज्ञा मिश्रम की जो एक पर्ची आई है या उन्होंने जो बताया है, निर्देश दिया है, उसी की तरह हमने बनाया है। अब ये ऑलमोस्ट हाफ हो चुका है पानी, तो इसे अभी छान लेंगे। इसे कोई छन्नी से ऐसे छान लेना है। अभी देखिए ये ऐसे दिख रहा है कलर। इसमें अभी हमें ऐड करना है 1 चम्मच नींबू का रस और 1 चम्मच अदरक का रस। अदरक का रस आपको किस के या कुट के उसको फिर निचोड़ के रस निकालना है, उसमें कोई भी पानी नहीं डालना है। और फिर 1 चम्मच हनी डालना है। अगर जिनको शुगर की बीमारी है वो हनी ना डालें, आधा चम्मच हल्दी डाल दें और इसे अच्छे से घोलें। देखिए ये नींबू अदरक का रस और शहद, जब पानी बहुत गर्म ना हो, थोड़ा नॉर्मल हो जाए तभी इसे डालना है। बहुत गर्म रहा तभी तब नहीं डालना है, थोड़ा नॉर्मल होने के बाद डालना है। इसे अच्छे से मिक्स कर लें और फिर ये रेडी होने के बाद 30 मिनट्स के अंदर इसे लेना है। अभी आगे देखेंगे कि इसके साथ पथ्य क्या फॉलो करना है और क्या नियम फॉलो करना है। सबसे पहले चीज़, एक पैकेट एक व्यक्ति के लिए है। एक उस पैकेट को तीन भाग में डिवाइड करके सुबह खाली पेट कुछ न खाते हुए, पानी भी ना पीते हुए इसे काढ़ा बना के देना है। ये 3 दिन तक उसे करना है। जो लोग थायराइड की मेडिसिन लेते हैं उन्हें सबसे पहले 15 मिनट पहले अपनी थायराइड की गोली पानी के साथ लेके फिर 15 मिनट के बाद ये काढ़ा सेवन करना है। काढ़ा लेने के बाद 1 घंटे तक कुछ भी खाना नहीं है या पीना नहीं है। इस तरह सुबह 3 दिन ये काढ़े का सेवन करना है। 3 दिन के बाद सुबह और फिर 3 दिन सुबह खाली पेट 4 लहसुन की कली तवे पे अच्छी तरह भून कर इसे खाना है और 1 ग्लास गुनगुना पानी पीना है। इसका मतलब आपने 3 दिन अपना काढ़ा पिया सुबह, उसके बाद फिर से 3 दिन आपने 4 लहसुन की कलियाँ तवे पे भूनकर सुबह सुबह वैसे ही बिना कुछ खाए पिए खाना है और उसके बाद पानी पीना है। और लहसुन की कलियाँ 4 लहसुन की कलियाँ खाने के बाद 1 घंटा कुछ भी खाना या पीना नहीं है। 6 साल के बच्चों के लिए यह 4 कली की जगह 2 ही कली खाना है। जो लोग लहसुन की कलियाँ नहीं खा सकते वो ये 3 चीज़ें कर सकते हैं। पहले चीज़,
5 नीम की पत्ती, नीम को कड़ू नीम भी कहते हैं, वो चबा के खाएं, या फिर 10 नीम की पत्ती को कुट के विदाउट एनी पानी उसका जूस निकाल के खाएं पिए। दूसरा चीज़ जो डॉक्टर प्रज्ञा मिश्रम ने बताया है, अगर कोई लहसुन नहीं खा सकते तो वो है कि 5 कड़ी पत्ता के लीफ वो चबा के खाएं। तीसरा चीज़ जो डॉक्टर प्रज्ञा मिश्रम ने बताया है जो लहसुन का विकल्प है वो है 4 तुलसी के पत्ते वो खाए। बट तुलसी के पत्ते दांतों से चबाना नहीं है, सिर्फ पर जीप पे रख के उसे उतने देर रखना है कि वो डिजोल्व हो जाए, घुल जाए। इसी के साथ ये 6 दिन परहेज़ भी फॉलो करना है। परहेज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें मांस, मटन, मछली, अंडा, नॉनवेज, मैदा के पदार्थ, बिस्किट, ब्रेड, टोस्ट, मैगी इत्यादि कुछ भी खाना नहीं है जो कि मैदे से या फिर नॉनवेज पदार्थ है। इसी के साथ शराब, धूम्रपान, चाइनीज़ फूड, इमली, तले और मसालेदार चीज़ों का सेवन 6 दिन तक नहीं करना है। 3 दिन जब आप काढ़ा लेते हैं उसके बाद और 3 दिन, तो टोटल 6 दिन। मतलब आपको पूरा सात्विक भोजन करना है विथ लेस ऑयल और बिल्कुल मसालेदार नहीं होना चाहिए। इसी के साथ ये काढ़ा गर्भवती स्त्री या फिर 5 साल के नीचे लोगों के लिए नहीं है। और डॉक्टर प्रज्ञा मिश्रम ने अपने वीडियो में ये भी बताया है कि जो लोगों को ऑलरेडी कोरोना हो चुका है या फिर सिम्टम्स अभी भी है, जिनको बुखार आ रहा है या कुछ ऐसे सिम्टम्स दिखते हैं, उन्हें ये जो काढ़ा है वो 2 बार लेना है। जैसे सुबह ले लिया, शाम में भी 5 बजे ये काढ़ा बना के लेना है। तरीका सेम है, बनाने के बाद 1 घंटे तक कुछ भी खाना नहीं है या पीना नहीं है, और बाकी जितना भी पथ्य या फिर प्रोसीजर फॉलो करने के लिए बोला है वो उन्हें करना है। इसी के साथ वो जो नीम के जो डंठल होती है, जैसे जिसमें पत्ते लगे रहते हैं उन्हें डंठल कहते हैं, वो ऐसे 20 डंठल का उसमें 5 मीरे जो इसको हम काली मिर्च भी बोलते हैं वो ऐड करके उसको अच्छे से कूट के उसका रस निकाल के ये पीना है। जिन लोगों को ऑलरेडी सिम्टम है उनके लिए ये बोला है, ये सुबह पीने के लिए बोला है, और ये लेने के बाद कुछ भी 1 घंटे के लिए खाना या पीना नहीं है। सो इसी के साथ मैंने जो डॉक्टर प्रज्ञा मिश्रम के ये जो काढ़े का जो उसके ऊपर क्या पालन करना है, कैसे बनाना है, या फिर कौन से पथ्य फॉलो करना है, या फिर कोरोना हो गया या फिर कुछ सिम्टम्स दिख रहे हैं तो क्या करना है, या फिर जो लोगों को लहसुन नहीं खा सकते उसके लिए क्या 3 चीज़ें बताई है, वो सब मैंने कवर किया। इसी के साथ ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप ज़रूर डॉक्टर प्रज्ञा मिश्रम के वो वीडियोज़ देख सकते हैं। तो दोस्तों, होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है, और मैं ऐसे ही अपडेटेड वीडियोस आपके लिए लाते रहूंगी ये टॉपिक पे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकॉन जरूर दबाइए। तब के लिए नमस्कार।